अजाब गजाब घर जमाई। ये सब क्या है चिंटू चौटाला, कैसे एमडी हो तुम? ढंग से काम ही नहीं कर रहे हो। जो दुकान का रेनोवेशन होना था क्यों नहीं शुरू हुआ? अब दुकान की मरम्मत शुरू करा देते तो फिर ऑर्डर कैसे पूरे करते, है कि नहीं? ऑर्डर पूरा कर रहे थे आप? जी जी। बनवारी लाल का मिठाई का ऑर्डर था 1500 डब्बे, वो क्यों नहीं पहुंचे अब तक? क्या बात कर रही हो नानी जी, वो तो मैंने कब का पहुंचा दिया उनको जगन्नाथ जी को कह करके। हाँ, जगन्नाथ जी को कहकर पहुंचा दिया ना, 1500 डब्बे पहुंचे हैं, मिठाई नहीं पहुंची है। अच्छा बताओ, खाली डब्बे भेज दिए उन्होंने, डब्बों के अंदर मिठाई डाल के नहीं भेजी? बड़े लापरवाह किस्म के आदमी है जगन्नाथ जी। जगन्नाथ जी लापरवाह किस्म के आदमी नहीं है, लापरवाह किस्म के आदमी हो तुम चिंटू चौटाला। अरे तुम एमडी किस बात के हो, तुम्हें डब्बों को खोल के चेक करना चाहिए था ना। उसने तो वही किया जो तुमने कहा था कि 1500 डब्बे भेज दो, उसने भेज दिए। हम देख रहे हैं चिंटू चौटाला, आजकल तुम्हारा काम में मन नहीं है। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं नानी। नहीं नहीं ऐसी बात है, और हम सोच रहे हैं कि एमडी की पोस्ट से तुम्हें हटाकर किसी और को रख ले, किसी लायक इंसान को। ये बात कृष्णा बेटा, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा एमडी की कुर्सी चिंटू चौटाला से हटाने का। ये मेरी फाइल है नानी जी, इसमें लिखा है कि मैंने ना एक कंपनी में 5 साल तक एमडी की पोस्ट संभाली है और 5 साल मुझे बेस्ट एमडी ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला है। सर्टिफिकेट है इसमें? नहीं बेटे, हमें इस फाइल को देखने की कोई आवश्यकता नहीं, हम जानते हैं कि तुम कितने काबिल इंसान हो। तो बेटा हमने तय कर लिया है कि हम तुम्हें कौन सा काम देंगे, वो काम तुमसे बेहतर और कोई नहीं कर सकता। तो आज से बेटा पन्ना जी की रसोई घर की और पूरे घर की जिम्मेदारी तुम संभालोगे, और हम जानते हैं कि तुमसे बेहतर और कोई नहीं संभालेगा, बहुत अच्छी तरह काम करोगे। नानी जी पर। अरे बेटा थैंक यू कहने की कोई जरूरत नहीं भाई, अपने लोगों में क्या थैंक यू और क्या शुक्रिया। मिल गया प्रसाद, खाओ प्रसाद। चिंटू चौटाला, मैं भी हार नहीं मानने वाला, मैं इसी से प्रूव करूंगा कि एमडी बनने के लिए सबसे ज्यादा फिट मैं ही। बड़े लाल जी, यू नो सब्जी में मसालों का बैलेंस एकदम ऐसा होना चाहिए जैसे एमडी का मार्केटिंग और सेल्स के बीच में हो। अच्छा, समझ गया। सब्जी? हाँ, सब्जी। देखिए इसे ऐसे प्यार से काटना चाहिए। अच्छा, हाँ। ऐसा दामाद सबको दे भगवान। वाह बेटा वाह, इधर भी बेटा इधर भी, एक ही पे मत काम करो जा, इधर भी। ये कृष्णा बेटा रहने दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। हम अभी तुम्हारी फाइल पढ़कर आ रहे हैं तो हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं बेटा कि तुम सिर्फ और सिर्फ एमडी के पोस्ट पर रहने लायक हो। आओ बेटा, हमें तुमसे कुछ बात करनी है। जी नानी जी। चिंटू चौटाला, तेरा ज्ञान पूरा पाला, मैं बनूंगा एमडी और तुम बनोगे इस घर के नौकर। हाँ तो हम क्या कह रहे थे, हाँ कहना ही पड़ेगा भाई, हमने ये तय किया है कि कृष्णा सिर्फ और सिर्फ एमडी के पोस्ट के लायक हैं, और अब हम कृष्णा के सुनहरे भविष्य और काबिलियत के बीच में नहीं आएंगे। जी, इसलिए बेटा हम कह रहे हैं कि आज से तुम अमेरिका चले जाओ। अब बस क्या रुलाएगा क्या? देखा प्यारी नानी जी का दिल देखा है? देखो नानी जी ने ममता नहीं देखी, अपनी ममता नहीं देखी नानी जी ने। नानी जी ने देखा आपका भविष्य साडू भाई। नानी जी ने अपना अपना प्यार नहीं देखा, लेकिन देखा आपका सुनहरा कल।
हेलो कालू भाई, अमेरिका की टिकट बुक कर। नहीं 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 नानी जी, नहीं नानी जी, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मुझे यहाँ इतना प्यार, इतना दुलार मिला है, नानी जी मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। और नानी जी यही तो मेरी दौलत है, और आपका दामाद होना कौन सा किसी पोस्ट से कम है नानी जी। ठीक है बेटा, अच्छा रुक जाओ, हमारे लिए भी बहुत अच्छा होगा। अच्छा लेकिन बेटा, जब तुम्हारा मन करे अमेरिका की याद आए बोल देना, हम रोकेंगे नहीं तुम्हें। आज रात को भी जगा के बोलना मुझे। हाँ। नहीं आएगी, नहीं आएगी, याद नहीं आएगी। ठीक है ठीक है। अरे भाई इतना टेंशन हो गया, कोई चाय तो पिलाओ। जमाई बाबू सबके लिए ना बढ़िया भी चाय बना। जमाई बाबू हमारे चाय में ना चीनी थोड़ी सी ज्यादा रखना। हाँ तो साडू भाई कैसी रही? इसे कहते हैं सो सुनार की एक लोहार की। अजाब गजाब घर जमा।